मणिपुर दौरे पर इंडिया गठबंधन के 20 सांसद लोगों से मिलकर जमीनी स्थिति का लेंगे जायजा। लोकसभा चुनाव में इंडिया को मिलेगा आपका साथ, गोपाल राय ने गठबंधन को लेकर किया खुलासा। योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में हुआ मंथन, उपचुनावों में टिकट को लेकर भी चर्चा। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर जुटी कांग्रेस, कोरबा में सीएम करेंगे जनसभा, कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी पार्टी। G20 का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज से रायपुर में, राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज से फिर अमित शाह 2 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर, भोपाल में वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव प्रबंधन से जुड़ी बैठकों में होंगे शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज शिलांग दौरे पर जाएंगे, पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगे। यूपी में तेजी से फैल रहा कंजक्टिवाइटिस, अचानक बढ़ी मरीजों की संख्या, अब बच्चे भी चपेट में। दिल्ली NCR से लेकर झारखंड तक बारिश, कई राज्यों में आज जमकर होगी बारिश, IMD ने दी जानकारी। दिल्ली में बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात, राजघाट रिंग रोड पर भरा पानी, बीती रात भी हुई रुक रुक कर बरसात। पाकिस्तान में कार और वैन की टक्कर होने से बड़ा सड़क हादसा, बच्चे समेत 8 लोगों की मौत, कई घायल। गोपनीय दस्तावेज मामले में ट्रंप ने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को चुनौती दी, खुफिया कागजात देखने की मांग। नाइजर में सैन्य तख्ता पलट की, UN ने की निंदा, राष्ट्रपति बजोम को बिना शर्त रिहा करने की मांग। चीनी प्रतिनिधिमंडल से मिले किंग जोंग उन, दोनों देशों ने अपने रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने का वादा किया। ऑस्ट्रेलियाई सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 4 पायलट लापता, US ऑस्ट्रेलिया टेलीसमेंट सेबर अभ्यास पर लगा ब्रेक। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव को उम्मीद, अगले 5 से 7 साल में देश में होगी कम से कम 5 फैब्रिकेशन यूनिट्स। भारत और ब्रिटेन इसी साल FTA पर कर सकते हैं हस्ताक्षर, वाणिज्य सचिव ने दी जानकारी। अफगानिस्तान में अक्टूबर 2023 तक 15 मिलियन से अधिक होंगे भुखमरी का शिकार, UNICEF की रिपोर्ट में दावा। IOC का मुनाफा 10 साल के शीर्ष पर, कंपनी ने महंगा तेल बेच कमाए 13,750 करोड़ रुपए। माइक्रोन देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लाने को तैयार, दुनिया भर में होगा निर्यात।